नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज रामपुर के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने पहुंचे शहर विधायक तंजीन फातिमा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए रामपुर सांसद आजम खान को वेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर साजिश का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं जानती हूं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया है, सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। वहीं उन्होंने अखिलेश के बयान पर सहमति जताई, जिसमें अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के गुंडे सड़कों पर हैं और योगी आदित्यनाथ के इशारों पर काम हो रहा है। अपने वैक्सीन लगवाइए, क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी को जो है आप जो आज जो है वो ठीक हो गए, सीतापुर जेल की देखिए, मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। डेढ़ साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर? देखिए, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या वजूहात है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया अस्पताल से जेल। मैडम, 2022 में क्या सपा रिपीट करेगी? जी यकीनन, यकीनन। कितनी सीटें मांगते हैं? अभी सीटें तो अब यहाँ कैलकुलेट नहीं की है मैंने, लेकिन सपा ही सत्ता में आएगी। अगर पंचायत चुनाव में जो सपा ने जो रामपुर में 11 सीटें पे कब्जा जमाया था और बीजेपी ने 7 थे, उसके बाद भी जो है जो इन्हीं का जो जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया वो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की मेरे बात नहीं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे जो हैं वो रोड पे हैं, जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने नेता पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी। बीजेपी को लेकर जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।